मैं आपसे इस कुंभ पर्व की विशेषताओं के साथ साथ कहता हूँ जिन्होंने इस कुंभ पर्व में गुरु मंत्र की साधना की, गुरु मंत्र का सवाल आपने जप किया और इस मंत्र को प्राप्त किया। इसके साथ साथ जिन्होंने हर एक दिन अपनी अपनी साधनाओं के अनुसार, मैंने इसमें निर्णय किया है कि गंगा किनारे कहते हैं कि गंगा किनारे जो रात में दशमहा विद्याओं की साधना करते हैं, जैसे काली खटमना, आज वैसे देखा जाए तो शनिवार अष्टमी का दिन और शनिवार आज माता काली की खटमाला का सौभाग्य रात में पाठ करते हैं या धूमावती माला का सौभाग्य पाठ करते हैं, तो हमारे जीवन में दरिद्रता ना किसी दे रही, किसी प्रकार की शत्रु की बाधा नहीं रहेगी और हमारे किसी प्रकार का दुख भी नहीं रहेगा। क्योंकि इसके अंत की प्रक्रिया इस कुंभ में होती है, हमें गंगा माता है और गंगा किनारा भी है और हम 9 दिन रह रहे हैं, हम इसका लाभ उठाएं। आप कभी कहते हैं कि हम ये दशमा विद्या किए हैं हमें उसका फल नहीं मिला, लेकिन आज के दिन जैसे मैंने 9 दिन के लिए, आज तक किसी ने भी कौन से पत्रिकाओं में अपने प्राप्त नहीं किया होगा, ऐसी खटकमालाओं को मैंने सभी का खटकमाला, एक ही जानते हैं खटकमाला केवल दुर्गा खटकमाला के लिए बात नहीं, लेकिन मैंने माता काली धूमावती हमारे दस महाविद्याओं की खटकमाला माता की कृपा होगी। जैसा मैंने कहा काली अपने दुर्गुणों को लेने वाली, तारा खगोल शास्त्र खगोल शास्त्र संसार में जितने भी नक्षत्र आदि ऊपर लगे हुए उनका प्रभाव अपने ऊपर अच्छी तरह पड़े और नील सरस्वती विद्या की विद्यादात्री एक जटा, ऐसे उसके उग्र तारा बहुत सारे नाम नील सरस्वती या तारा की जो साधना करता है, हम देखते हैं जिसको लक्ष्मी प्राप्त है उसको विद्या नहीं आती, जिसको विद्या प्राप्त है उसको लक्ष्मी प्राप्ति नहीं होती, जिसको ऐश्वर्य नहीं देते, एक नील सरस्वती तारा ऐसी है जो विद्या धन यश गौरव सब देती है, जो इसका मंत्र मैंने बसंत पंचमी के दिन शिविर में दिया था। अभी आपको कह रहा हूँ कि आप नील सरस्वती तारा का, उसके बाद हम देखते हैं भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी का मतलब भुवनों की ईश्वरी, यानी ये भुवन जो आप बात करें शिवलिंग नहीं हो सकते, महाविद्या का मतलब क्या है विद्या, हम कहते हैं मूर्ति नहीं होती महाविद्या, काली कोई मूर्ति नहीं है, काल का ज्ञान देने वाली, तारा खगोल का ज्ञान देने वाली, भुवनेश्वरी शिवलिंग भुवन का ज्ञान देने वाली, इसलिए उसे महाविद्या का विद्यालय जिसे कहते हैं, महाविद्या किसे कहते हैं विद्या की अधिष्ठा की देवता को विद्या का, उसे धूमावती पोल्यूशन गैसेज जो है उसकी देवता, जो उसकी आराधना करता है उसको उसको प्राप्त करता है, त्रिपुर भैरवी हमारे भयपन भय का निवारण करने वाली, त्रिपुर सुंदरी हमारे शरीर को सुंदर बने, हमारे त्रिपुर कौन से हैं हमारे शरीर में त्रिपुर कौन से हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये त्रिपुर आसुर कहा गया है और जो अच्छे हैं वो इस संसार में हमारे जिस तरह प्राप्त करते हैं हमारी कन्या हमारे मन उसे त्रिपुर सुंदरी कहा गया, फिर उसे त्रिपुर सुंदरी को श्री विद्या के साथ उपासना की जाए तो उसको सुबह बारह त्रिपुर सुंदरी कहा गया, मध्यान्ह में छोड़ी त्रिपुर सुंदरी कहा गया और रात में ललिता त्रिपुर सुंदरी कहा गया, ललिता का फिर लालित्य करने वाली जो अपनी माँ की तरह रहने वाली, जो दोपहर में साधना करता है वो पुरुषवान होता है, जो बाल रूप में होता है वो विद्यावान होता है और रात में लालित्य करने वाली माता की कृपा प्राप्त है, इस प्रकार की इसकी विद्या का इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो उस विद्या का श्रेत्र भी आपको मैंने यहाँ रखा है, आप सभी को इस साधनाओं का बल प्राप्त हो, विशेष रूप से आप इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन को बर्बाद ना करो, आपने वैसे तो बहुत सारे लोगों को देखा संन्यास के कपड़े डालते हैं घूमते हैं उनको कोई विद्या पूछो कुछ आता नहीं जाता नहीं, लेकिन आप प्रभु सदगुरुदेव स्वामी मिथुन स्वामी जी के शिष्य हैं और आपके जीवन में आपको इस संसार को बदलना है, आप जीते हुए अगर आप सब लोगों को जीने की कला सिखाएं तो मैं कहता हूं कि आप स्वामी मिथुन स्वामी के शिष्य अपने लिए तो कोई भी जीता है, कुत्ता भी जीकर खाता है सोता है उसको कहीं कहीं गली में ढूंढ लेता है, अपने लिए जीवन जीना बड़ी बात नहीं, हम जिए और 10 लोगों को जीने की कला सिखाएं, 10 लोगों के जीवन के अंकों को पहुंच उनके दुख को पहुंच सके तो हम मैं ये चाहता हूं हम रात में सोते समय हम आपका चिंतन करें कि मैं आज कितने लोगों को दुख दिया हूं और आज कितने लोगों के मुख पर मैंने हंसी लाई है या सुख दिया है, इसका चिंतन करते रहे और जब ये बाघ सुख का चिंतन बढ़ता जाएगा आप संसार में श्रेष्ठ फैलाओगे। आज आपको मैंने प्रक्रिया समझा दी है, सुबह और शाम गंगा स्नान करना है, गुरु मंत्र की 21 माला कम से कम करना है, गुरु स्तवन का पाठ करना है और रात में आज के दिन शनिवार अष्टमी होने के कारण महाकाली का भी पर्व दिन है और धूमावती का भी पर्व दिन है, आप हो सके तो मैं जो करना चाहते हैं साधना उन लोगों को उस खटकमाला का मंत्र आपको दिया जाएगा जिसका रात में आप 8 बजे के बाद 108 बार पाठ करते हैं उसे।